उत्तर प्रदेश की दो बड़ी घटनाओं ने यूपी की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल सोनभद्र में जमीन कब्जाने को लेकर कई लोगों की हत्या की मामला सामने आया। ठीक इसी तरह संभल में पुलिस वैन पर हमला कर दो सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन दोनों घटनाओं को लेकर आज यूपी के विधानसभा के बाहर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे समाजवादी पार्टी के तमाम सारे सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। हालांकि सोनभद्र की घटना पर सरकार की तरफ से कुल 27 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है और 60 लोगों को अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस मामले में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, लेकिन संभल की घटना पर अभी भी पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। ऐसे में इन दोनों घटनाओं को लेकर एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो इन दोनों घटनाओं पर सरकार की जवाबदेही भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।